अभी वक्त हो गया है, सुबह के 12 बज गए हैं और बच्चे अभी नहा धोकर उठे, क्योंकि अभी लेट उठे थे सभी, तो उठे फिर उसके बाद इनको नहलाया और उसके बाद अभी लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो ये खा रहे हैं जैम ब्रेड और साथ में पकौड़े, ये कल इफ्तार की पकौड़ियाँ हैं जो ये खा रहे हैं। आलू की खत्म कर दी? हाँ। ये प्याज की भी खत्म कर दो फिर। नहीं खा लो, इतनी तीखी नहीं है, मैंने ज्यादा मिर्च नहीं डाली है। हमका केचप तो दो उसको, कैसप, केचप तो दो, कैसप। तो चलिए अभी इन लोग का नाश्ता हो रहा है और मैं दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। हो गया, क्योंकि इन्होंने प्याज की नहीं खानी ना, इसलिए इनका हो गया। और मैं दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैं ये कपड़े धो रही, देखिए ढेर सारे कपड़े यहाँ रखे हैं और ये हैं, और अभी इनके स्कूल के बैग भी धोए। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज है 7वां रोजा, तो आप सभी को 7वां रोजा मुबारक हो। और अभी क्या है कि मैं आज कपड़े वगैरह धो रही हूँ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि मैं कपड़े धोऊं, पर क्या करूं, मुझे ही धोने हैं, तो इसलिए मैं फिर कपड़े वगैरह धोने लगे। और इनके स्कूल भी जल्दी ओपन होने वाले हैं, तो इनके स्कूल की ड्रेस थी वो भी मैंने धोई है, ड्रेस तो बहुत पहले धो चुकी हूँ, मतलब स्कूल के बैग जो है वो भी धोकर डाले हैं, तो ये सब सूख जाएंगे क्योंकि स्कूल भी कुछ दिन बाद ओपन होने वाले हैं, तो मैंने कहा ये सब भी साफ सफाई कर देती हूँ। और अभी क्या है, क्या हुआ? बोलने आया था कि फ्रेंड्स कुछ ही दिनों में हम घर पे नहीं होंगे क्योंकि स्कूल ओपन हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, स्कूल से आने के बाद आप घर पर होंगे, पूरा टाइम स्कूल में थोड़ी होंगे। हाँ, तो अभी क्या है कि अभी पता टाइम क्या हो रहा है, 12:30 बज रहे हैं और मैंने मशीन वगैरह लगाई हुई है और हम सब भी नहा लिए हैं, क्योंकि मैंने कहा जल्दी से नहा लेती हूँ फिर अपना नमाज वगैरह करती हूँ। मशीन तो इसलिए लगा दी, रानी सबो को बता, धूप लगी है, छाओड़ जाऊ, सबो को बता, रमजान चल रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर लो, बता। हमारी छत पर धूप देखे, अब धूप है ही नहीं, बस यहाँ रह जाती है थोड़ा सा कोने में धूप। इसको यहाँ पर टंगा देती हूँ ऐसे। चले अब वापस चलते हैं। ये हैं हमारे पौधे जो कि बेचारे मुरझा जाते हैं, मैं भूल जाती हूँ इनको पानी देना। वैसे ही मेरा मन नहीं कर रहा था कपड़े धोने का, इतनी मुश्किल से धोए तो बादल देख लें, अब क्या हालत हो गई है मेरे कपड़े। और देख रहे ये सारे ना, ये बादल की गरजने की आवाज़ आ रही है, कितनी ज़बरदस्त गरज रहा है, गड़गड़ गड़गड़ करके। इसे देखो अभी लग रहा, पापा आ गए, अस्सलाम वालेकुम। मैं कपड़े डालने जा रही थी, बारिश आने लगी। हाँ, और अच्छा हुआ आप टाइम पर आ गए, वरना आप भी भीगते हुए आते। अच्छा, कुछ बच्चों के पास तो लोग बेकार रहते हैं, जिनने बताया था बारिश होने वाली, उनके पास खाई। देखो बूंदे होने लगी और चिड़िया, देखे ये चिड़िया है, चील है, ईगल, देखना ईगल, 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 कितनी बारीक बारीक सी दिख रही है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है ना ये। हाँ, बारीक दिख रही है, मैं यही बता दूंगी। देखो चलो आ जाओ, यहाँ से नीचे आ जाओ, हम आ जाओ, चलो भीगो नहीं, ये भीगने का मौसम नहीं है, आ जा बेटी। किसने कहा कि हम लड़ाई कर रहे हैं? आप लोग लड़ाई कर रहे हो और हम बच्चों को फोन नहीं देते। तो बच्चों को फोन क्यों दें? बच्चों को फोन नहीं चलाना चाहिए। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स हमारे कपड़े ये रखे हुए हैं ढेर भर, छोटे इतने भी छोटे नहीं हो कि बदतमीजी करते घूमते, बहुत छोटे हैं मेरे कपड़े, इतने सारे मैंने धो लिए और सारे के सारे ऐसे ही रखे पड़े हैं, और बस बारिश जो है वो आने शुरू हो गई, जिम 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 जिम। खैर कोई नहीं, अभी चलते हैं, मैं अफ्तारी बनाती हूँ। और मैं ना सोच रही हूँ मैं आप लोग को कोई रेसिपी नहीं देती हूँ, क्योंकि आप लोग रेसिपी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं आप लोग के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं अपना रेगुलर ब्लॉग जो शेयर करती थी उसी तरह से शेयर करूंगी। अब बस अपना रूटीन, सहरी इफ्तारी, वही सब, मतलब डेली रूटीन जो होता है वही सब मैं शेयर करूंगी, ठीक है? तो आप लोग बेफिक्र हो जाइएगा और ब्लॉग को एंजॉय करिएगा, ठीक है? आप लोग के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ। और ये देखिए हमारे सरदार जी यहाँ सो रहे हैं, जागे हुए हैं, सो नहीं रहे। ये ऊपर आप देख रहे हैं ना तामझाम, ये सारा हमारे हमजा रैयान का बढ़ाया हुआ है, आपको दबा दिया मैंने, ऐसे हो रही हो तो ये दब जा रहे। चलिए कोई नहीं, अभी मैं अफ्तारी में बताऊँ क्या बनाऊ। वैसे मैंने साबुदाने भिगोए हुए हैं, एक दिन साबुदाने की बनाऊंगी, बाकी का देखते हैं क्या बनाती हूँ। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, मैं कोई रेसिपी आप लोग को नहीं दे रही हूँ, ठीक है?
हाँ, क्योंकि ना रेसिपी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं, लोगों को टाइम नहीं है, टाइम नहीं, बहुत सारी रेसिपीज आती है शायद इसीलिए, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इंजॉय करिएगा ब्लॉग, रमजान है ना, सब अपना काम में रहते हैं, तो कोई नहीं, वैसे मैं भी बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, पर क्या करूँ, अभी मुझे पता है सिलाई भी करनी है, मैं अभी मेरे पास एक सूट मेरा पिछले साल के कह रहे 6 महीने सर्दी में मैंने सिला नहीं था और गर्मियों में मैंने सिलना स्टार्ट किया था, तो जब से मेरा रखा हुआ है सिलने के लिए, पैंट सिल लिया है लेकिन कुर्ता नहीं सिला है, तो वो जब से रखा हुआ है 6 महीने से इंतजार कर रहा है, लेकिन अब सिलूंगी उसको, आपके क्या बच्चों के भी जो छोटे छोटे हैं सबके, अब आप अपने लिए देख लो, मेरा तो हो गया है, मैं बस चूड़ी वगैरह लेनी है, मैं तो ये देख रही हूँ मौसम एकदम से चेंज हो गया है, बिल्कुल मौसम चेंज हो जाता है, कब बारिश आ जाए कब, आप मेरे इतनी तेज क्यों करा देते हो उंगली, आपको पता है ना आपका हाथ बहुत तेज लगता है, नहीं मारा करो, मेरे बहुत जोर से लग जाती है, इनका हाथ इतना भारी लगता है ना, बहुत तेज का लगता है, वो हमजा बताएगा, हमजा बताएगा हमजा पापा का हाथ कैसे पड़ता है, पापा का हाथ इतना बड़ा भी नहीं मम्मा, अरे पड़ता है, कैसे लगता है, धीरे लगता है तेज लगता है, बहुत जोर से लगता है, बहुत जोर से, हमजा को एक दो बार ही पड़ा है तब से हमजा बस ये सोचता है पापा ना मारे मुझे, अफ्तारी बनाते हैं ना, तो मेरे मार मार के दर्द कर दे रहे हो, वैसे ही कपड़े धो धो कर हाथ थक गए हैं, हटो मैं नहीं बैठती हूँ, अपना इफ्तार की तैयारी करती हूँ, मैंने आलू का मिक्सचर बना के रखा हुआ है, बस इसको जरा शेप दे देती हूँ, जब तक बारिश देखिए आप लोग कितनी तेज हो रही है, बस अल्लाह रहम करे जो भी घर से बाहर है साफ खैरियत से अपने घर पहुंच जाए, देख रहे हैं कैसे उड़ उड़ के आ रहा है सामान, बारिश में खड़ा था तभी एक लाइट आई पीछे था, मैंने देखा कि खंबे पर पता नहीं कुछ नहीं समझ आया, मैंने अरे नहीं बेटे मत जाओ, कुछ नहीं जाओ बेटा, नहीं जाओ बाहर, नहीं जाओ बाहर, ये नुकसान की बारिश है, और ये देखो चीज लेके उठाकर गरियान, इफ्तार के बाद देख लें आप मेरे किचन का हाल कितना मैसी हो रहा है ना, ये देखें ये आलू भी बच गए थे अभी, इसको फ्रिज में रखी, और ये खीर, ये तो बीरबल की खीर हो गई, मैंने सोचा था बन जाएगी इफ्तार के टाइम तक, ये बनी नहीं अभी तक, तो बस अभी इसमें थोड़ा सा देर और है, तो मैं सोच रही हूँ इसको होने देते हैं और चलते हैं अपने ये जो भांडे है ना बर्तन भांडे इसको धोते हैं। हाँ तो अभी फ्रेंड्स हम लोगों ने रोजा खोल लिया है, नमाज हो गई, अफ्तार हो गई, सारी चीजें खत्म हो चुका है फ्रेंड्स, सिर्फ आज का, कल फिर से होगा, तुम मुझे गिरा दोगे, आज कौन सा रोजा है, आज सातवां रोजा था, सेवन्थ, कल कल कौन सा बताओ, हाँ ये उसके अंदर नाइन्थ, उसके अंदर टेंथ, मेरे ऊपर से तो हटो, नाइन के बाद रोजे खत्म, नहीं अभी पूरे 30 रोजे होंगे, 30 पूरे 1 मंथ के रोजे हैं, बस पूरे महीने इबादत करो, अच्छे अच्छे काम करो, अल्लाह अल्लाह करो, और इसको देखिए फ्रेंड्स, अभी पता है खीर बन रही थी जब, तो उसके बाद बार बार आ रहा मम्मा कब बनेगी, और जब बन गई है ना, तो अब मैं बोल रही हूँ कि खा लो, तो कह रहे नहीं मैं नहीं खाऊंगा अभी, अब मुझे कुछ और चाहिए, मैं भी नहीं खाऊंगा, पीछे हटो, मैं कपड़ा फैलाऊंगी, हटो, हट जाओ, हाँ हट जाओ, इसमें धागा भी होगा, ये है देखिए इसका धागा, सब कुछ रखा हुआ है, बस सिल नहीं रही हूँ, पागलपंती दिखा रही हूँ, ये है देखिए इसका, ये इस तरह का है, मैंने पूरा साइज उसके हिसाब से लगा के रखा है, अभी इसे मैं काटूंगी फिर उसके बाद सिलूंगी, ये इसकी पैंट है और ये है इसका दुपट्टा, तो ये 3 पीस सूट है, मैं ना अक्सर 3 पीस ही लेती हूँ, मेरे जितनी आलसन लड़की कोई नहीं होगी, मैं बहुत ज्यादा आलसन हूँ, जब तक मैं अगर मैं बैठ जाऊंगी ना मशीन पे, तो फिर तो मुझे चाहे कितने भी काम दे दो, फिर मैं 1 दिन 2 दिन अगर बस एक बार बैठ जाऊँ, फिर मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन लकी करती रहूंगी, सिलती रहूंगी, और जब तक नहीं बैठ रही हूँ ना, तब तक मुझसे कोई सिलवा नहीं सकता है, बच्चों के भी कपड़े इतने ज्यादा हो रहे हैं ना, किसी में कुछ सिलने के लिए, लेकिन वो भी मैं इकट्ठी करती जा रही हूँ, कि जिस दिन बैठूंगी ना उस दिन सिलूंगी, तो अब मैं इंशाल्लाह कल से, आज मैं इसको काट के रखती हूँ और कल से बैठूंगी मशीन पर, तो फिर इसको भी करूंगी,
अब भी हम लोग की तरावी वगैरह भी हो गई है और हस्बैंड जी आ गए हैं तरावी पढ़ के, तो अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट और कुछ चीजें है जो लेकर आनी है, बच्चों को खाने के लिए लेकर आना है क्या ना, कि बच्चों का भी मन कर रहा है कि कुछ अलग सा खाया जाए। घर में जो भी बनाए खा नहीं रहे, आपको बताया मैंने क्रीम खीर वगैरह भी बनाई वो भी नहीं खा रहे, तो अब मैं सोच रही हूँ चलिए ठीक है हम लोग बाहर चलते हैं, कुछ जो भी बच्चे खाएंगे ना वो उनको खिला देंगे, और कुछ सामान है जो मुझे अभी देने के लिए भी लाना है तो वो सब भी लेकर आना है, तो देखते हैं। खैर अभी चलते हैं, फिलहाल नीचे सभी मेरा वेट कर रहे हैं और मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ अभी। ये तो वही बात हो गई, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए है घर में, तो बारिश नहीं हुई, जैसे ही घर से निकले तो बारिश इतनी तेज हो गई, वापस आना पड़ा। मेरा मन कर रहा था रोल खाने का और हमारे हस्बैंड जी का मन था नहीं खिलाने का, इसीलिए बारिश हो गई है ना जी, पक्की बात है। और मम्मा मम्मा बोलिए, किधर हो, इधर से आओ। पापा को वहाँ रोल वाले दुकान के पास कोई सूखने की जगह ही कहाँ बची है। सूखने का मतलब, सूखने से इनका मतलब है कि वहाँ पर बारिश में मतलब बूंदे तेज हो रही थी तो रुकने की जगह नहीं थी इसलिए उसको सूखने ही कह रहे हैं। कोई बात नहीं, अब मैं करती हूँ अपना एडिट और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी। ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू। पीछे पीछे से बोलते हो, सामने क्यों नहीं आते हो? आ गया। हाँ, अपने पापा कह रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।